तो हे गाइस, वेलकम टू कर्मकारी यूट्यूब हेल्प प्राइम चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रिचार्ज करने का किंग। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आज मैं यूट्यूब पर लाया हूँ रिचार्ज करने का सबसे बड़ा एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के मदद से आप आसानी से बहुत ही ज़्यादा रिचार्ज कर सकते हैं कमीशन के साथ। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सबसे ज़्यादा कमीशन दे देती है इस एप्लीकेशन। आपको ऐसा ऐसा चीज़ में कमीशन देता है जो आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं देगा। चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करता हूँ। और एप्लीकेशन न्यू है, चैनल पर भी न्यू है एंड प्ले स्टोर पर भी न्यू है, बिल्कुल रियल कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा आप अगर रिचार्ज करते हैं तो आपका कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं, आपका रिचार्ज बिल्कुल आसानी से हो जाएगा एंड अच्छी खासी कमीशन भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ रिचार्ज वाला एप्लीकेशन के तरफ। एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में जानने के लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों, वीडियो करता हूँ स्टार्ट। हे दोस्तों, सिंपल सी आपका डिस्प्ले पे दिख रहा होगा इस एप्लीकेशन का लोगो, बिल्कुल एप्लीकेशन का नाम है राजा पे रिचार्ज बिल पेमेंट DTH। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ डिटेल है एप्लीकेशन का, फुल डिटेल आपको देख लेनी होगा। दोस्तों एप्लीकेशन आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, सिर्फ 9.5 MB का है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, जरूर से जरूर वहाँ से कर लेना है इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है सब प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा एंड एप्लीकेशन में कितना ज़्यादा फायदा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ज़रूर से ज़रूर आपको ये वीडियो फुल वॉच कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली ऐप डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए। पहले ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं हर एक मोबाइल का लोगो दिखाया गया एंड इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपल सी इसको मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन है, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र भी आपको मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बिल पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाती है। और एक बात दोस्तों, इस पर आपको बिल पेमेंट पर आपको कैशबैक मिलती है, आपको कोई भी एप्लीकेशन देने वाला नहीं, लेकिन दोस्तों इसे एप्लीकेशन आपको देता है बिल पेमेंट पे आपको कुछ कैशबैक, उसके बाद DTH है। उसके बाद चलिए मैं इसको नेक्स्ट करके इसको कंप्लीट कर देता हूं, इसको अलाउ भी कर देता हूं, अलाउ मांग रहा है तो सिंपल सी इसको मैंने फुल अलाउ कर दिया। तो दोस्तों अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड देकर लॉगिन होना पड़ेगा। अब दोस्तों आप तो सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे लॉगिन होने के लिए बोल रहा है तो सिंग अप का बटन कहाँ है? तो दोस्तों सिंग अप होने के लिए वेरी सिंपल प्रोसेस है, सिंग अप किस तरह से होनी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। उससे पहले मैं इस पर रजिस्ट्रेशन होके आपको दिखा देता हूं, उसके बाद सिंग अप प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान से वो समझ जाओगे आप। तो सिंपल सी मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देके इस पर लॉगिन करता हूं, उसके बाद मैं आपको ध्यान से समझाता हूं एंड आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दोनों यहाँ पर डाल दिए हैं, अब इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू एक्टिव ऐप लॉक, तो आप अगर ऐप लॉक यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी। मैं तो अभी उसको नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐप लॉक बहुत सेफ्टी होता है कि आपका पैसा इधर उधर ना जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। समझाने के पहले मैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपको समझा देता हूँ। दोस्तों क्या होगा कि आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किस तरह से क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो वीडियो देख रहे हैं इसका साइड स्क्रीन में आपको एक मोबाइल नंबर फ्लैश होगा, उस पे वो नंबर को आप सेव कर लीजिए अपना मोबाइल पर, ठीक है। सेव करने के बाद उस पे व्हाट्सअप कीजिए, आप अपना फ़ोन नंबर देना, ईमेल एड्रेस देना, ठीक है, और नेम देना, ये तीनों चीज़ देखकर आपको उस पर मैसेज को सेंड कर देनी है। तो क्या होगा दोस्तों, उस पर क्या होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन और यूज़र आईडी और पासवर्ड जो मिलेगा वो आपका ईमेल कर दिया जाएगा, जिस ईमेल नंबर आपने वहाँ पे दिए हैं व्हाट्सएप पे, उस नंबर पे सेंड किए, उस नंबर पे आपका यूज़र नेम एंड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको दिख जाएगा। वहीं पे जो लॉगिन का बटन था उस वो नंबर देकर आप लॉगिन कर सकते हैं वेरी आसानी से, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, आपका मेल पे भी आ जाएगा एंड आपका फ़ोन नंबर पे भी आ जाएगा। तो सिंपल सी प्रोसेस है, आपको समझ गया। अब दोस्तों चलिए मैं इसके फीचर के बारे में आपको समझाता हूँ, सिंपल सी फीचर है। पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा पैसा दिखेगा एंड दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे होता है मोबाइल रिचार्ज, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का जो प्रीपेड वाला होता है ये पहले नंबर पे प्रीपेड वाला ही है। अब दोस्तों इसके ऊपर दबानी है, इसके ऊपर दबाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑपरेटर सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे ब्राउजर प्लान के ऊपर दबाकर आप अपना ब्राउजर प्लान देखकर आप अमाउंट डालकर, आप प्रोमो कोड अगर है तो प्रोमो कोड देकर अप्लाई करके आप जो रिचार्ज कर सकते हैं, वेरी आसान तरीका है, जैसे आप हर एक ऐप्स में रिचार्ज करते हैं बिल्कुल एक ही प्रोसेस है। अब दोस्तों इस पर आपको छूट मिलती है,
जो आपको डिस्काउंट मिलती है वो किस तरह से मिलती है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। उससे पहले और क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका प्रीपेड मोबाइल नंबर है, डाटा कार्ड है, DTH है, उसके बाद लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट तो करते हैं, करना ही पड़ेगा, आप कहीं से भी करो ना, इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाकर करो या फिर पेटीएम से या फिर कहीं से करो, आपका 1% कैशबैक मिलने वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों इस ऐप आपको दे रहा है, इस ऐप आपको हर ट्रांजलेशन पर 1 रुपया करके दे रहा है। मानो आपका बिल 500 रुपया आ गया, तो एक ही बार में अगर 500 रुपया का बिल पे करते हैं तो आपको 1 रुपया बोनस मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे 1 रुपया नहीं ज़्यादा लेना चाहिए, तो आप वही 500 रुपया के आप 10 बार पे पेमेंट कीजिए, 50-50 करके कीजिए, 20-20 करके कीजिए। तो यहाँ पे इसका रूल्स की है 1 ट्रांसलेशन 1 रुपीस, मतलब आपका जितना रुपीस 1 से लेकर 1 लाख तक जितना हो, जितना रुपीस होना क्यों, 1 लाख कैसे लिमिट नहीं है, जितना रुपीस होना क्यों, आप ट्रांसलेशन करो, यहाँ से बिल पे करो, तो हर एक ट्रांसलेशन पे आपको 1 रुपया करके मिलेगा। अगर आप 20-20 करके करते हैं तो हर एक बार आपको 1 रुपया करके मिलेगा। अगर आप 50 करके करते हैं तो भी 1 रुपया, अगर आप 1 लाख करते हैं तो भी 1 रुपया, मानो आपको हर एक ट्रांसलेशन पे आपको मिलती है 1 रुपया करके। पूरा बात क्लियर हो गया। उसके बाद गैस इंश्योरेंस भी दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे वाटर, और दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड भी ये प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे और भी कुछ फीचर है तो यहाँ पे पूरा देख लेना। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे और 3 बटन एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो पहले वैलेट का आइकन है, वैलेट के ऊपर जाते ही आपको आपका वैलेट दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और कई एक ऑप्शन ओपन हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसफर फाउंड, यहाँ से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद स्कैनर कोड भी आपको यहाँ पे दे रहा है, और मनी ट्रांसफर पे कुछ चार्ज लेता है, बहुत ही समथिंग चार्ज है, बहुत ही कम चार्ज है। उसके बाद फाइंड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ट्रांसफर हिस्ट्री, जो आपको ट्रांसलेट किया वो हिस्ट्री दिख जाएगा, रिचार्ज हिस्ट्री, एंड यहाँ पे और भी मतलब हिस्ट्री पूरा दिख जाएगा, एंड माई कमेंट, आपको कमीशन, आपका कमीशन कितना हुआ वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। ऊपर कुछ इंश्योरेंस और कुछ ऑप्शन है। चलिए उसके बाद इधर 2 नंबर आइकन में क्या है, यहाँ पे आपको मिल जाती है अपना प्रोफाइल, इसको हाइड भी कर सकते हैं और चेंज पासवर्ड, आप पासवर्ड को भी बदल सकते हैं। लॉगआउट, कस्टमर सपोर्ट का भी आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है, और यहाँ पे और भी कुछ चेंज पिन, मतलब कि आपका अकाउंट कंट्रोल करने के लिए और मिल जाती है। उसके बाद लास्ट बटन, लास्ट बटन पे आपको यहाँ पे कुछ रूल्स मिल जाती है टीम के साथ बात करने का, और नया नया अपडेट मिल जाती है। यहाँ पे स्कैनर कोड ऊपर, यहाँ से स्कैन करके आप पे भी कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन से ऐसा फीचर है। अब दोस्तों कमीशन क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, चलिए आप वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कमीशन मिल रहा है, आपको जियो पर, आपको जियो का सिम कार्ड को अगर रिचार्ज करते हैं, जियो का आपका कोई भी सिम कार्ड होना क्यों, सिर्फ जियो का, जियो का आप जियो फोन पे या फिर जियो का सिम कार्ड रिचार्ज करते हैं तो आपको मिल जाता है 5% कैशबैक, 5% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जो आप बहुत बड़ा एक अमाउंट है। आप इस रिटेलर होकर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको 5% कैशबैक मिल जाती है जियो पर। अब दोस्तों जियो के अलावा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो भी होता है जियो का अलावा, उस पे आपको मिल जाते हैं 2.90, मतलब 2.90%, 3% के लगभग। तो आपको इस पे इतना आपको कैशबैक मिल जाते हैं, मतलब आपको कमीशन 2.90 रुपया कमीशन मिल जाता है। तो दोस्तों बेटर एप्लीकेशन है, आप यूज करके देखो। आपको मिलती है जियो पे आपको 5% एंड आपको अदर सिम कार्ड पे आपको 2.9%। वेरी आसान है, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे अगर आप पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल प्रोसेस है। इसका जो पेमेंट आपको यहाँ पे है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब सपोर्टेड है। इस एप्लीकेशन में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब सपोर्टेड है, आप इस पे पैसा ऐड कर सकते हैं। वेरी आसान तरीका है, मतलब आपको दिक्कत होने का कोई चांस है ही नहीं। उसके साथ साथ आपको साइड स्क्रीन में जो व्हाट्सअप नंबर दे रहा है वो तो आपको सपोर्ट करेगा ही। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक के लिए बाय।